इस्लामाबाद पुलिस थक गई है या फिर वाकई इस्लामाबाद की पुलिस को ये अंदाजा हो गया है कि हम अवाम के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते और अब इस्लामाबाद की पुलिस ने अवाम का मुकाबला करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसे मनाजिर गर्दिश कर रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है और वहीं एक बड़े से चौक में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पुलिस अहलकारों के हाथ में लाठियां भी हैं लेकिन वो लाठियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि नारेबाजी करने वालों की वीडियोस बनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये मनाजिर जो इस्लामाबाद से सामने आए जहां पुलिस ने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है, आप पहले ये मनाजिर देखिए और फिर आपको बताते हैं कि उधर इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ क्या हो रहा है। पहले इस्लामाबाद के अंदर की सूरत हाल देखिए। दूसरी जाने मामला है इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर पहुंचने वाले अली अमीन गंडापुर के काफले का। इस काफले में केपी की रेस्क्यू की गाड़ियां भी शामिल हैं और हैवी मशीनरी भी शामिल है। ये काफला रात कटी पहाड़ी के मुकाम पर रहा और फिर सुबह ताजा दम होकर अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर पेशकदमी शुरू की। तो अब बिल्कुल इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर काफला पहुंच चुका है, जहां एक बार फिर बदतरीन शेलिंग का आगाज हो चुका है और शेलिंग बराह रास्त अब रेस्क्यू की गाड़ियों के पास की जा रही है, ताकि रेस्क्यू का अमला कारकुनान को ना तो मरहम पट्टी कर सके और ना ही इस शेलिंग का मुकाबला किया जा सके। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस और रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि जो शेल इस्तेमाल किए गए ये 2022 के एक्सपायर्ड शेल हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और आंखों में मुसलसल जलन का एहसास है। लोगों के पास इस शेलिंग का मुकाबला करने के लिए स्प्रेज भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे वाकये भी देखने को मिले जहां पुलिस वाले इस शेलिंग से मुतासिर हो रहे थे, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इन पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे किया और फिर वो वहां से वापस चले गए। अली अमीन गंडापुर ने वादे कर दिया है कि अगर केपी की हुकूमत जाती है तो वो भी चली जाए, लेकिन अब मकसद और मंजिल डी चौक है। जब तक अड्याला से कैदी नंबर 804 का कोई पैगाम नहीं आएगा, हम किसी सूरत मोहसिन नकवी को सीरियस नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है तो वजीर दाखिला बनकर रहे, हमें धमकियां दे रहे हैं तो देते रहे। हमारी मंजिल और हमारा मकसद डी चौक पर पहुंचना है। ये काफला डी चौक जरूर पहुंचेगा। जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर इस काफले पर शेलिंग की जा रही है, जिसके बायस रफ्तार सुस्त हो जाती है, लेकिन फिर इस शेलिंग का मुकाबला करते हुए कारकुनान अली अमीन गंडापुर के ट्रक के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं।